हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काई में लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इससे पहले हमने क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, 7 to 8 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट भी कर लिए हैं। और नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें कि हमने बताए थे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है उनका। तो आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स में 30 to 40% जो आपका कंसेप्ट है वो क्लास 9th का ही लगने वाला है। तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है, तो हमारी क्लास 9th की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्लास 9 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में, वो जाके हमारा लेक्चर वॉच कर लीजिएगा और क्लास 10th का फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सारी यहाँ पे बात होगी, नंबर्स की बात चलेगी। तो नंबर सिस्टम में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर जो है उसी से रिलेटेड टॉपिक है, आपको आसानी से भले ही ना समझ में आए। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए क्लास 9th का। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि क्लास 9th में हम ये ऑलरेडी डिस्कस करके रख चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। हम शेड्यूल आपको बता दें एक बार, हमारा जो क्लास 9th है, ठीक है, क्लास 9th के लेक्चर्स हमारे मंडे को आते हैं। ठीक है, मंडे के बाद वेडनेसडे को आता है, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को आता है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है हमारी 8 PM। ठीक है, 8 PM पे आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं, डेली नहीं मीन्स अल्टरनेट डेज पे लेक्चर मिलेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो ये तो क्लास 9th की टाइमिंग हो गई। अगर हम बात करें आपका जो क्लास 10th है, तो क्लास 10th की टाइमिंग क्या रहेगी, क्लास 10th की टाइमिंग रहेगी 9 PM पे। ठीक है, कितने बजे से, 9 PM पे, 9 PM पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज पे मतलब है ये मंडे को था तो आपका लेक्चर होगा ट्यूसडे को। ठीक है, फिर वेडनेसडे को 9th का। ठीक है, फिर उसके बाद थर्सडे को आपका होगा क्लास 10th का। ठीक है, 9 PM पे। उसके बाद फ्राइडे को इनका आता है क्लास 9th वालों का, तुम्हारा आप लोगों का कब होगा, क्लास 10th का होगा सैटरडे को। ठीक है, तो सैटरडे को 9 PM पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल रहेगा, ये क्लास 9th का शेड्यूल है, ये क्लास 10th का शेड्यूल है। लेक्चर्स हमारे रहेंगे अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के आपको लेक्चर मिला करेगा। ठीक है, तो वीक में टोटल 3 लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 9th, और टोटल 3 लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 10th। और एक्स्ट्रा अगर कोई भी टॉपिक हुआ करेगा, ठीक है, कंप्लीट कराने को, वो हम कहाँ कंप्लीट कराएंगे, संडे में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होंगे या क्वेश्चंस कराने रहेंगे संडे में। ठीक है, तो हर संडे को क्लास 9th 10th के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया करेंगे। तो ये तो शेड्यूल की बात हो गई, चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन में आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं रियल नंबर्स, कौन से होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड में, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रियल, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स। तो इनका जो मीनिंग है वो इनके नेम से ही पता लग जा रहा कि कॉम्प्लेक्स और रियल का मीनिंग क्या है। तो भाई रियल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जो रियल लाइफ या कह लीजिए मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल इमेजिनरी हैं, ठीक है, मींस जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं करते हैं, रियल लाइन जो होती है
उस पर हम जिन नंबर्स को शो नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर, तो हमें पता लग गया क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर भी पता लग गया। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम सी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल सी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आई बी। क्या फॉर्म होती है, ए प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जहाँ पे ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो हमारा ये आई बी है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, जहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इसलिए जेड हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा, यही इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट बन गया। और ये रियल है ऑलरेडी, हमें पता है इंटीजर ए है, ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इनको हमने ऐड कर दिया, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब हम रियल नंबर के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसको इरेज करे दे रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया रियल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है, ठीक है, तो रियल नंबर की क्लासिफिकेशन, तो भाई रियल नंबर बेसिकली ये भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट हमारा क्या है, रेशनल नंबर, पहला आता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है इरेशनल नंबर्स। कैसे, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। अगर हम बात करें रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू, और इरेशनल नंबर्स को हम कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो गए इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के सेट कंबाइंड करेंगे हम, तब हमें किसका सेट मिलेगा, रियल नंबर्स का सेट मिलेगा। तो रेशनल नंबर आपको पता ही है, क्लास 9 में पढ़ा था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अंडर रूट एन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एन हमारा क्या होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर एन नहीं होता है, अंडर रूट एन के अंदर, अंडर रूट के अंदर एन जो लिखा होता वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। या इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर्स की। फिर हम बात करेंगे रेशनल नंबर की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। अब रेशनल नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। रेशनल नंबर में आते हैं आपके, जैसे कि नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप, वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी दिख जाता है, ठीक है। फिर नेचुरल के बाद आता है आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर उसके बाद आपके कौन से आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये तो सारे होल नंबर्स होते ही हैं, साथ में नेगेटिव के भी होते हैं, नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं, जैसे माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद हमारे किसका नंबर आता है, इंटीजर्स के बाद फिर हमारा रेशनल नंबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा सेट किसका आता है, रेशनल नंबर का सेट आता है, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई भाई रियल नंबर, इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। फिर रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ये सारी चीज़ क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सेट्स और इनका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उनको हम बेसिकली किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ। तो पहला है हमारा कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी, सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स। ये किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो भाई कैपिटल एन होता है हमारा सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स की बात आ गई, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल दी इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का सेट होता है जेड। उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें, जेड प्लस लिख दें अगर हम, ठीक है, सफिक्स में जेड प्लस लिख दें, तो ये हमारा बन जाता है सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, भाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद जेड निगेटिव की बात करें, तो जेड निगेटिव क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी निगेटिव इंटीजर्स। किसका सेट होता है, निगेटिव इंटीजर्स का, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जेड निगेटिव क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स, क्यू, कैपिटल क्यू किसका होता है, सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स। किसका होता है, रेशनल नंबर्स का सेट, किसका होता है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसी के बाद क्यू प्लस की बात करें अगर हम, तो क्यू प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट होता है भाई क्यू प्लस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्यू निगेटिव, तो क्यू निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दी निगेटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी निगेटिव रेशनल नंबर्स, निगेटिव रेशनल नंबर्स, रियल नंबर। रेशनल नंबर से बड़ा सेट किसका आएगा हमारा, रियल नंबर। तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को, तो सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आर प्लस की अगर बात करें, तो भाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसी तरीके से आर निगेटिव क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दी निगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल दी निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल निगेटिव रियल नंबर्स हो गया। इसी तरीके से हमारा कैपिटल सी किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला क्या है, पहला हमारा कैपिटल एन, कैपिटल एन होता हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल जेड इंटीजर्स का सेट होता है, जेड प्लस की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है, और जेड निगेटिव की बात करें तो निगेटिव इंटीजर्स का सेट बनता है। कैपिटल क्यू की बात करें तो रेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है, और क्यू प्लस की बात करें तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसी तरीके से क्यू निगेटिव निगेटिव रेशनल नंबर का सेट होता है। आर हमारा किसका होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। आर पॉजिटिव की बात करें तो केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होता है, और इसी तरीके से आर निगेटिव किसका होता है, निगेटिव रियल नंबर का सेट होता है। और यहाँ पे एक और लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी का सेट आता है, ठीक है। तो
कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। यहाँ पे एक और नोट पॉइंट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बड़ा सेट होता है, ये होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर। इसको लिख लीजिए, लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि भाई सबसे बड़ा सेट किस नंबर्स का होता है, ठीक है, तो किन नंबर्स का होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में क्या है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हटा दें तो सबसे बड़ा सेट किसका बनता है? रियल नंबर्स का सेट बनता है, ठीक है। बट इन एक्चुअल रियल नंबर से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। एक और नोट पॉइंट की बात करेंगे हम, जो हमारा जीरो होता है, जीरो पॉजिटिव होता है या निगेटिव नंबर होता है, बताइए सोच के। तो भाई यहाँ पे नोट पॉइंट ले लीजिए, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही तो निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर, ठीक है। जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही तो निगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी एक नोट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जो आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है। ये तो सब बात हो गई थी क्लास नाइन्थ की। तो क्लास नाइन्थ में हमने अभी तक क्या पढ़ा? पूरा फ्लैशबैक दे दिया, जो जो मोटी मोटी चीज़ें थी आपको हमने सब बता दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, कुछ सेट्स पढ़ लिए, रियल नंबर्स भी पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन भी बता दिया। उसके बाद कुछ और नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो टू से डिवाइड ना हो। उसी तरीके से इवन नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, इवन नंबर जो टू से डिविजिबल हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है आपके क्लास टेंथ में, इस पर एक थ्योरम भी है प्राइम नंबर्स पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, ठीक है, मीन्स उसके हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? या तो वन हो या तो खुद ही वो नंबर हो, यानी कि या तो नंबर खुद से डिविजिबल है या वन से डिविजिबल है। सपोज दैट आप टू ले लीजिए, थ्री ले लीजिए, ठीक है, टू थ्री हो गया, उसके बाद फाइव हो गया, सेवन हो गया, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद को प्राइम नंबर आता है, ठीक है, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है? ये पेयर में होता है, ए कॉमा बी। ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास वन निकल के आना चाहिए, मीन्स इन दोनों के बीच में वन के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर के बाद पाँचवा एक और नंबर आता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? नॉन प्राइम नंबर्स, जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं उनको क्या बोल देते हैं हम? कंपोजिट नंबर। एक तो प्राइम नंबर हो गया, और जो प्राइम नंबर नहीं है उनको क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है उनको इरेशनल बोल देते हैं। इसी तरीके से जो प्राइम नंबर नहीं है उनको क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा नंबर्स हो गए जिनको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना हो, बिल्कुल थॉरली पढ़ना हो, डिटेल में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लास नाइन्थ का लेक्चर वॉच कर लीजिए, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिटेल में विद एग्जांपल समझा के रखी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास टेंथ है, क्लास टेंथ में आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यह आपका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर उसके बाद आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपका क्लास टेंथ इन दो टॉपिक से स्टार्ट होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एनसीईआरटी की बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग है क्लास टेंथ का। मैं अभी ये टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगा, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका रेशनल नंबर का टॉपिक हो गया, ठीक है, डेसिमल नंबर्स का टॉपिक हो गया, या इरेशनल नंबर्स के टॉपिक हो गए, वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि वो नाइन्थ में ऑलरेडी हम
डिस्कस करके रख चुके हैं। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ के आगे ये कैरी करेंगे, ठीक है, कैरी करेंगे रेशनल नंबर्स को, कैरी करेंगे इरेशनल नंबर्स को, कैरी करेंगे डेसिमल नंबर्स को, और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नाइन्थ में हमने जो पढ़ा था अब उसके आगे की स्टडी हमें कहाँ करनी है, क्लास टेंथ में करनी है। ठीक है, तो ये हम लास्ट में पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे एक थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सपोज दैट अगर हम बात करें, हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर पी है। अब प्राइम नंबर पी कोई भी हो सकता है, सपोज दैट 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 डॉट, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 3 है, 3 डिवाइड्स 6, 3 है जो भाई 6 को डिवाइड कर रहा है, आप कहेंगे कर रहा है। और मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 3/36 को भी डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, और 36 का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई, आप हमने बोला 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 3/36 को भी डिवाइड करेगा। अब हम इसको उल्टा बोलेंगे, मीन्स इसका रिवर्स बोलेंगे, हम बोलें कि 3y अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। 36 का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमने बोला 5 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 divides 25, ठीक है, 25 का मतलब क्या है, 5 square, तो 5 क्या 5 को नहीं डिवाइड करेगा, 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिख दिया, सपोज दैट आपने लिख दिया 7 हो गया, ठीक है, 7 डिवाइड कर रहा 49 को, ठीक है, 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है, 49 का मतलब क्या है, 7 square, तो 7 क्या 7 को नहीं डिवाइड करेगा भाई, ये 7 square था, तो अगर 7 7 square को डिवाइड कर रहा है तो 7 7 को भी डिवाइड करेगा, 5 अगर 5 square को डिवाइड कर रहा है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई भी प्राइम नंबर P है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर P है, और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ P डिवाइड्स, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा, देन P also divides और will divide A, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई प्राइम नंबर P है और P divides A square, अगर P है हमारा A square को डिवाइड कर रहा है तो P हमारा A को भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, P अगर हमारा A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P हमारा A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे A हमारा क्या है, A is a positive integer, A हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और स्टेटमेंट ये बोला मैथमेटिकली। अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना होगा, तो प्रूव हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही था, अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में ये थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।